मैनू लगता है थोनू राज करना नहीं आता। जे राज करना सीखना है तो सीखो खालसे तो। मैं थोनू कहती हाँ कि तुसी 10 साल लई राज खालसे दे हाथ विच दे दिओ, थोनू चीन तो तिब्बत भी लैके दिखा देंगे। मोदी साहब कहते ने कि किसान खुश है, जे किसान खुश है तो आओ होवो शरीक साडियां खुशियां च। तुसी अपने मन की बात रेडियो ते करदे हो ते जेड़े लखां लोग तुहाडे नाल अपने मन की बात करना चाहुंदे ने उन्हां दी गल कौन सुनू। गुरु दशमेश बागी नलुआ वीर बागी साडा बागी है पंथ परिवार लोको। पंजाब दी इस बगावत नू देख के सरकार दी नींद हराम होई है। कदे किसे पिंड विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बेअदबी हुंदी है। असी तां हिंदू धर्म नू प्यार करने वाले लोग हाँ, असी उस दे खिलाफ किवें बोल सकते हाँ। ते गुरु नानक देव जी तां सब दे सांझे गुरु ने, उन्होंने कहा सी कि अव्वल ने अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सब तो पहला सारे रल के फतेह की सांझ पाते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु दशमेश बागी नलुआ वीर बागी साडा बागी है पंथ परिवार लोको। साडा खून बागी साडी जात बागी ते साडा बागियां नाल विहार लोको। बागी ना साडा जम्मे बागियां दे ते साडा बागियां नाल प्यार लोको। भगत सिंह बागी उत्तम सिंह बागी ते साडा बागी है सराबा करतार लोको। अज पंजाब दी इस बगावत नू देख के सरकार दी नींद हराम होई है। कुछ लोग कहंदे ने कि सरकार नू कोई फर्क नहीं पिया, पर मैनू लगदा है कि सरकार नू फर्क पिया है। ताही ता इस संघर्ष नू कमजोर करन दे लई पंजाब विच आउण वालियां सारियां ट्रेनां रोक दित्तियां जांदियां ने। पिंड विच जाण वाला 700 करोड़ दा विकास फंड भी रोक दित्ता जांदा है। कदे किसे पिंड विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बेअदबी हुंदी है, कदे किसे बीजेपी दे लीडर दी गड्डी पन्नी जांदी है ते कदे दलितां दे हक विच रैली कड्डी जांदी है। जे नहीं फिकर है दलितां दा तां पहला उन्हां नूं दलित कहना बंद करो। यूपी विच उठाओ उन्हां दे हक विच आवाज, दियो इंसाफ भैण मनीषा नूं, क्यों नहीं दिंदे। खोलो सारे मंदिरों के दरवाजे उन्होंने, क्यों नहीं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करते जेडे कहते हैं कि उन्होंने मुछा रखन ते घोड़ी चढ़न का कोई हक नहीं। थोड़ा एक लीडर कहता है कि ठाकुरां का खून गर्म हुंदा है, जे ठाकुरां का खून इन्ना ही गर्म हुंदा है तो भेजो उन्होंने चाइना के बॉर्डर से, क्यों नहीं भेजते। तुसी सानू कदे हुल्लड़बाज कहते हो तो कदे दलाल कहते हो। मोदी साहब कहते ने कि किसान खुश है, जे किसान खुश है तो आओ होवो शरीक साडियां खुशियां च, क्यों नहीं आंदे ते साडे नाल गल करदे। तुसी अपने मन की बात रेडियो ते करदे हो ते जेड़े लखां लोग तुहाडे नाल अपने मन की बात करना चाहुंदे ने उन्हां दी गल कौन सुनू। तुसी यूट्यूब ते डिसलाइक दा ऑप्शन हटा दिंदे हो। तुसी कहंदे हो तुसी बहुत विकास कीता है, जे तुसी इन्ना ही विकास कीता है फिर सवालां तों क्यों भजदे हो। तुसी अक्षय कुमार नूं इंटरव्यू दिंदे हो, कदे रविश कुमार नूं भी इंटरव्यू दे के देखो, जे डरदे हो उन्हां दे सवालां तों। थोड़े तां मंत्री भी अर्थव्यवस्था दे नां दे सवालां ते चुप कर जांदे ने। मैनूं लगदा है थोनू राज करना नहीं आउंदा। जे राज करना सीखना है तां सीखो खालसे तों। राज कीता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, राज कीता सी महाराजा रणजीत सिंह जी ने। उन्हें कहते लोगों का राज, लोगों नूं जातां पातां ते धर्मां दे नाते लड़ा के राज नहीं हुंदे, वो सियासत हुंदी है। मैं तुहानूं कहंदी हां कि तुसी 10 साल लई राज खालसे दे हाथ विच दे दिओ, तुहानूं चीन तो तिब्बत भी लैके दिखा देंगे। असी चरखे वाले नहीं चरखड़ियां वाले हाँ। ये जो साडे सिर ते पग्गां ने ना, वो एवें नहीं मिलियां सानूं, बहुत कुर्बानियां करके मिलियां ने। सत श्री अकाल। कहंदे जी कि तकलीफां किन्नियां झलियां दस्तारां नूं पता, मिलियां ने किन्नियां महंगियां सरदारां नूं पता। पग कोई कपड़ा नहीं, इज्जत है साडी इज्जत। जदों भी कोई कुड़ी
अपने घर तो बाहर जाती है तो उसके प्यो की पग उसके नाल नाल जाती है। वेखिए कदे पगां ते चुनिया की सेल, पग कली भी है, पग फौज भी है, पग नितरे मन की मौज भी है, पग सफर भी है, जफर भी है, गीत भी है, पग नजर भी है, पग नीत भी है, पग तिड़कदे नेत्रां चो उठदी इक रूहानी तान भी है, पग तेग भी है, पग तेग भी है, पग धरत भी है, पग आसमान भी है। पर अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि असी अपने घरां विच भी पग नू संभाल नहीं पा रहे हैं। दरबार साहिब विच असी तीजे दिन पग दी बेअदबी करदे हां, असी तलवारां चलाउंदे हां ते इक दूजे दीआं पग्गां उछालदे हां। असी अपनी धी नू समझांदे हां कि धीए साडी पग नू कदे दागना नहीं, ते ओही पग बन के दूजिआं दीआं धीआं भैणां बारे गलत बोलदे हां। ओही पग बन के असी कुड़ी वाले तो दाज लैंदे हां। जे साडा कोई भरा पग बन के किसी कुड़ी बारे गलत कमेंट करे तो उसनू जाके कहो कि जा ता पग ला दे जा सोच बदल ले, क्योंकि गुरु साहिब ने सानू ये पग इस तरह की राखी करने वास्ते दिती है, इस तरह उछालन वास्ते नहीं दिती। सो मैं यही कहना चाहवांगी कि आओ सारे कट्ठे हो जाइए ते इस लड़ाई नू कट्ठे होके लड़िए। नाले एक गल होर, मैं ये भी सुनिया कि यह मोर्चा हिंदू विरोधी है। जेड़ा मोर्चा अपने हकां की गल करता हो हिंदू विरोधी किवें हो सकता है? असी तो हिंदू धर्म नू प्यार करने वाले लोग हाँ, असी उसके खिलाफ किवें बोल सकते हैं? जिस धर्म के लिए साडे गुरुआं ने अपने शीश दिते उसके विरुद्ध असी किवें हो सकते हैं? असी तो गुरु नानक देव जी के फलसफे की गल करते हैं, तो गुरु नानक देव जी तो सब के सांझे गुरु ने। उन्होंने कहा सी कि अवल लेला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया कौन भले को मंदे। यह मोर्चा किसी भी धर्म खिलाफ नहीं, सगो एक खतरनाक विचारधारा के खिलाफ है। यह मोर्चा पंजाब के हकों लिए लाया गया, तो हक सब के सांझे होंगे ने। इसे दे नाल वध समा ना लेंदे होए पेश करांगी एक छोटी जी कविता। फिकर करी ना बापू साडे समयां दी, नवीं नस्लां नवी ही धरती वाहणगियां, देख देणगियां फुल इश्क दी चादर ते जद वी लहरां उच्चियां चढ़ के आउणगियां। आरे रंबियां तवियां नाले चरखड़ियां कित्थों परदे सूरज उत्ते पौणगियां, जेड़ियां रुत्तां रुसियां रुसियां फिरदियां ने एक दिन सोहले धूड़ मिट्टी दे गौणगियां। इसे दे नाल तुहाडा सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।